नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। देश में नए संसद भवन के निर्माण को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल इस भवन के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। आपको बताएं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़े कई याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई, जिसमें बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। अब नए संसद भवन का निर्माण कार्य बहुत ही जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। नए संसद भवन के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी। सेंट्रल विस्टा परियोजना का ऐलान सितंबर 2019 में हुआ था। इसमें संसद की नई त्रिकोणीय इमारत होगी, जिसमें एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के 900 से 1200 संसद बैठ सकेंगे। इसका निर्माण 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अगस्त 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि केंद्रीय सचिवालय का निर्माण 2024 तक पूरा करने की तैयारी है। 5 नवंबर को ही फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। जस्टिस M.N. खानविलकर, दिनेश महेश्वरी और संजीव खन्ना की बेंच इस मामले में अपना फैसला सुनाई है। ये फैसला अदालत ने पिछले साल 5 नवंबर को ही सुरक्षित कर रखा था। हालांकि पिछले साल 7 दिसंबर को केंद्रीय सरकार के अनुरोध पर कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की भूमि पूजन की अनुमति दे दी थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वो लंबित याचिकाओं पर फैसला आने तक कोई भी कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ या फिर पेड़ काटने का काम नहीं करेगा। इसके बाद 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। राष्ट्रीय भवन, मौजूदा संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार की इमारत को वैसा ही रखा जाएगा। सेंट्रल विस्टा के मास्टर प्लान के मुताबिक पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पीछे नया तिकोना संसद भवन बनेगा। ये 13 एकड़ जमीन पर बनेगा। इस जमीन पर अभी पार्क है, अस्थायी निर्माण और पार्किंग है। नए संसद भवन में दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग इमारत होगी, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं बनेगा। पूरा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का है। तो नए संसद भवन निर्माण को लेकर पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी, लेकिन मामला यहां पर अटक गया था, क्योंकि जब तक इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होती तब तक आगे काम को प्रारंभ नहीं किया जा सकता था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। अब नए संसद भवन के निर्माण कार्य में तेजी आएगी और ऐसा कहा जा रहा है कि 2022 तक ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।